Redmi Note 5 Pro के लिए काफ़ी टाइम के बाद जो है कुछ मंथ के बाद हमें देखने को मिला है डरफेस्ट का ऑफिशियल रोम एंड्रॉयड 13 का 4.4 कर्नल बेस्ड के साथ जो आया उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और जो डायनमिक पार्टीशन वाले एक 4.19 बेस्ड के साथ आया हुआ था तो उसका जो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। तो अगर किसी को डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो वीडियो आप देख लेना, इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर डायनमिक पार्टीशन इंस्टॉलेशन। फिलहाल हम इसकी बात करें तो पिछला वीडियो नवंबर में ही शायद किया था, उसके बाद अभी जो है यहाँ पे इसका अपडेट हमें देखने को मिला है। तो बीच में जो है बाकी डिवाइस के लिए तो अपडेट आ रहे थे, जैसे कि पोको F1 Mi 11 X का रिव्यू कर रखा, पोको F1 का मेन, तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। बट यहाँ पे पिछले अपडेट के मुकाबले अभी तक में क्या चेंज हुआ है उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डरफेस्ट का ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड है, 11 जनवरी 2023 का बिल्ड है और सिक्योरिटी पैचअप जनवरी 2023 की लेटेस्ट मिल जाती है। कर्नल की बात करें तो वर्जन भी सेम ही मिल रहा है, जो पहले मिला करता था वही सेम टू सेम कर्नल मिल जाता है वर्जन के साथ, और जो सेलिनक्स स्टेटस है वो भी हमें इन्फोर्सिंग ही देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में फिलहाल तो अभी तक में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, ये सब सेम है। एंड यहाँ पे आपका जो कनेक्टेड डिवाइसेस है काम कर रहा है, कास्ट आपका वर्किंग रहेगा, तो यहाँ पे भी ऐसी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और ऐप्स के अंदर में यहाँ पे आपका जो असिस्टेंट है काम कर रहा है, गेम स्पेस मिल जाता है, बाकी इंटरफेस आगे गेम में भी आपको दिखाई दूंगा, तो ये भी सारी चीज़ें आपको सेम ही यहाँ पर मिलती है। ओके गूगल काम करता है, लेकिन इसका जो लॉन्चर आता है डरफेस्ट का इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉयर बैकग्राउंड ओपेसिटी ये न्यू देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है, और ये जो सिगबार दिया गया है सिगबार के दोनों साइड में प्लस माइनस पे बैकग्राउंड जो मिल रहा है, पहले बैकग्राउंड नहीं मिलता था, सिर्फ नॉर्मल प्लस माइनस हुआ करता था, अब ब्लैक बैकग्राउंड जो मिल रहा है वो न्यू देखने को मिल जाता है। एंड नीचे में स्क्रॉल वाइब्रेशन न्यू है, रीसेंट बैकग्राउंड ओपेसिटी भी न्यू मिल जाता है, और ये जो बैकग्राउंड आपको सिगबार पे प्लस माइनस पे मिल रहा है इसी बस जगह पे नहीं, सभी जगह पे जिन जिन जगह पे है ये आपको उस जगह पे देखने को मिलेगा। वहीं नीचे टास्क बार था जो यहाँ से कहीं और मूव हुआ जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डार्क स्टेटस बार न्यू है और हिडन ऐप्स भी आपको न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो एप्लीकेशन आप यहाँ से डायरेक्ट हाइड कर पाओगे। ऐप लॉक भी ऐसे ऐड हुआ जो कि सिक्योरिटी में मिलता है, बट ऐप हाइड यहाँ से आप कर पाओगे। एंड डर्फ स्पेस की अगर बात करते हैं तो बैटरी के अंदर तो फिलहाल कोई चेंज आपको नहीं मिलता, वही सेम स्टाइल है, बट क्लॉक एंड डेट सेटिंग में आपको बैकग्राउंड चिप मिल जाता है जो कि आपके क्लॉक के बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। स्टेटस बार आइटम सेम रहेगा, यहाँ पे वोल्टी आइकन आपको मिल जाता है। ट्रैफिक इंडिकेटर में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप मिसलेनियस में जाते तो कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, जैसे कि सो वाईफाई टाइप आइकन मिल जाएगा और कलर आइकन ये भी हमें यहाँ पर न्यू देखने को मिल जाएंगे, तो दो ऑप्शन यहाँ पर न्यू मिल जाते हैं। वहीं कंबाइंड सिग्नल बाय डिफॉल्ट पहले इनेबल मिलता था इसके अंदर में, जिसकी वजह से सिग्नल आइकन जो हमारा हाइड हुआ करता था, अब बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल सिग्नल आइकन यानी कि सो देखने को मिलेगा, सो होता रहता है तब हाइड देखने को नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट, ये जो प्रॉब्लम थी। एंड नोटिफिकेशन में हालांकि कोई चेंज नहीं है, क्विक सेटिंग्स के अंदर में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, ये भी पूरा सेम ही रहने वाला है। लेकिन लॉक स्क्रीन के अंदर लॉक स्क्रीन UI में आपको डिसेबल रिपल इफेक्ट मिल जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑन ऑफ कर पाओगे, हाइड स्टेटस बार मिल जाता है लॉक स्क्रीन में, स्टेटस बार हाइड कर पाओगे। ये जो क्लॉक स्टाइल है, क्लॉक फॉन्ट एक तरीके से, ये क्लॉक फॉन्ट हमें यहाँ पे जो है न्यू मिल जाता है, तो अलग अलग फॉन्ट आप क्लॉक के लिए आप लगा पाओगे, जो कि अभी मैं लगाया तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो क्लॉक फॉन्ट यहाँ पे आप न्यू देखने को इसके अंदर मिल जाता है। और यहीं पे नीचे में चार्जिंग एनिमेशन जो देखने को मिल रहा है न्यू है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सब पहले वाले हैं। ये कुछ चेंजेस यहाँ हुई है। अब मेन डिस्प्ले वाले में हालांकि यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम चलते इसके हार्ड सिस्टम की तरफ तो यहाँ पर जनरल सेटिंग में अब यहाँ पे जो है एंड्रॉयड पी एनिमेशन जो स्टाइल दिया गया न्यू है। अभी नॉर्मल एनिमेशन देखोगे कुछ इस तरीके का, इसको इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल जाता है, आप देख सकते हो। तो ये जो है एनिमेशन यहाँ से चेंज आप कर पाओगे। वहीं पैरेलल स्पेस ये भी हमें न्यू देखने को मिल जाता है, यानी कि एक तरीके से ऐप का क्लोन बना सकते हो, डुअल ऐप बोले वो आप क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ से सिंपली आपको स्पेस क्रिएट करना है, आप जितने चाहो यहाँ से 3-4 स्पेस क्रिएट कर लो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन के 4 से 5 क्लोन इस तरीके से बना सकते हो, जो कि सपोर्टेड एप्लीकेशन ये सब रहेंगे। न्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हो स्पेस को, और यहाँ पे जो सेटिंग दिया गया अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ शो नहीं कर रहा है, और डिलीट इस जगह से जो है आप स्पेस को कर पाओगे। जैसे कि मैं एक इनेबल करता हूँ तब इसका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है डुअल, जैसे आप देख सकते हो क्रिएट हो गया, बट बाय डिफॉल्ट आपको जितने स्पेस क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर कभी यहाँ पे एक क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही वो क्रिएट होता है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल कैमरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये अलग से जो है यहाँ पे जो क्लोन बनाया हो वो वाला है और अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही लॉन्चर की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मिलती है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है
आप डुअल ऐप या फिर पैरेलल स्पेस की बात करें, ये अच्छे से काम कर रहा है और इसका यूज़ आप कर पाओगे। आपका काफ़ी लोगों को जो है ये काफ़ी ज़रूरत होता है, पहले तो मिलता ही नहीं था लेकिन अभी जो है एसपी रोम पे अब देखने को मिल रहा है। वहीं कस्टमाइजेशन के अंदर यूआई स्टाइल पूरा न्यू ऐड हुआ है, आपको यहीं पे जो है प्रीव्यू भी एक तरीके का मिल जाता है सभी में, कौन सा क्लिक करोगे तो किस तरीके का कलर रहने वाला है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख करके सिंपली उस पर टैप कर सकते हो। बस थोड़ा सा वेट करना, जब भी टैप करो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना, ये पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाए तब आप यूज़ करना, तब अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो इंस्टेंट पे आपका थोड़ा सा लैग सा रहेगा। इसलिए जो है यहाँ से जब भी टैप करो थोड़ी देर वेट कर लेना। उसी तरीके से एडवांस मोटल जो सेटिंग्स दिया गया है, मोनेट जो सेटिंग्स दिया गया है, थीम स्टाइल इसके अंदर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो कलर्स हैं थीम स्टाइल आप देख सकते हो चेंज हो रहा है, तो ये भी न्यू देखने को मिल जाता है। एडवांस जो मोनेट सेटिंग्स है पूरा का पूरा न्यू है, इसमें कलर आप कस्टम कलर भी यूज़ कर पाओगे। एंड बाकी तो फिर जितने भी ऑप्शन यहाँ नीचे मिल रहे हैं सब पहले वाले, आइकन आपका सिग्नल आइकन, आइकन शेप, ये सब आपके पहले वाले रहेंगे। पल्स भी हालांकि पहले का ही, इसमें भी कुछ न्यू नहीं है। और नोटिफिकेशन के अंदर में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, नोटिफिकेशन वही पहले वाला ही पूरा का पूरा रहने वाला है, इसके अंदर कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। एंड बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बैटरी यूजर्स के अंदर जाओगे तब जो ग्राफ है काफ़ी स्लिम मिलता है, पहले काफ़ी बड़े मिलते थे, हालांकि अब सभी एंड्रॉइड 13 में लेटेस्ट बिल्ड में ग्राफ काफ़ी स्लिम ही मिलने वाला है। वहीं बैटरी चार्जिंग वार्निंग न्यू मिल जाता है, और यहीं पे 24 आवर तक का एक बैटरी यूजर्स का भी था कार्ड स्टाइल, वो अभी फिलहाल रिमूव हो गया है। और यहाँ पे बैटरी स्टाइल अभी इस तरीके से मिलता है बैटरी लाइट का, पहले थोड़ा अलग हुआ करता था। और नीचे में आपको यहाँ पे अब किल बैकग्राउंड प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, साथ साथ स्लीप मोड भी अब न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसको इनेबल करोगे तो काफ़ी बैटरी भी आपकी बचेगी, बट इसे आप नाइट में यूज़ करो क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी बंद कर देगा, इससे बैटरी थोड़ी बचने वाली है। वहीं अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 85% बैटरी मिली, वहीं पिछले में 84 था, यानी कि बैटरी के अंदर भी ऐसा कुछ खास फर्क आपको नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं यहाँ पे इसके साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमें मिलने वाले हैं। वैसे इसके अंदर वाइब्रेशन एंड हैप्टिक तो हमारा सेम ही है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं मिलता है। एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट साउंड भी जो दिया गया है काम कर रहा है, पहले की तरह वर्किंग है। मीडिया ज़रूर यहाँ पे न्यू है, 100 मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन भी न्यू ऐड किया गया, और साथ साथ सभी एंड्रॉइड जो लेटेस्ट 13 आ रहे हैं सभी में अब लेटेस्ट जो है मीडिया लेआउट मिल रहा है। और इनमें जो है वॉल्यूम जो स्लाइडर इसका दिया गया है वो मेन लैग करता है, ऐसे तो नॉर्मली आपको कोई दिक्कत नहीं होता, दिस फोन पे भी क्लिक करोगे तो एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला है ये स्लाइड करने का, इस पर अब लैग करता है सभी लेटेस्ट में। और यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को जैसे कि मिल ही रहा है, ये चीज़ रहेगा बट वो लेटेस्ट है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन काम करता है, एडिशनल सेटिंग में भी थोड़ा चेंज हुआ है, चार्जिंग साउंड और चार्जिंग वाइब्रेशन अलग अलग हो चुके हैं, पहले एक साथ है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा हुआ रहता था, तो बस इतने ही चेंज आपको यहाँ पे मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर में लाइव डिस्प्ले सेम है, डिस्प्ले कैलिब्रेशन ऊपर मिल जाएगा, सब में कोई चेंज नहीं, लेकिन लॉकिंग के अंदर में QR कोड स्कैनर था वो रिमूव कर दिया गया है, और एम्बिएंट डिस्प्ले लास्ट में हुआ करता था ऊपर थोड़ा है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कि जो डबल टैप टू वैक है पहले अलग सेक्शन इसका सबसे लास्ट में हुआ करता था, लैंडस्केप के लिए भी दिया गया था, बट अभी सिंपल सा यहाँ पे टैप टू वैक अब दे दिया गया है। और यहाँ पे टैप टू स्लीप ये सब कुछ चीज़ें हैं थोड़ा चेंज हुई हैं। डिस्प्ले कटआउट नीचे मिलता है, पहले ऊपर देखने को मिलता था, थोड़ा सा यहाँ पे भी इधर उधर हेरफेर हुआ है। एंड वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर, वैसे वॉलपेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो यूज़ कर रहा हूँ हमेशा की तरह। और सिस्टम जो आइकन पैक है ये आपको न्यू देखने के यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी कोई चेंज यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। एसेबिलिटी सेम ही रहेगी। सिक्योरिटी की बात करें तब यहाँ पे जो है एक तो ऐप लॉक न्यू देखने को मिल जाता है, ऐप लॉक का यूज़ कर पाओगे, कौन कौन से एप्लीकेशन सपोर्टेड हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हो, तो सिस्टम एप्लीकेशन भी सपोर्टेड हैं, ऐप लॉक यहाँ पे न्यू है, सेटिंग में ऐसा कोई चेंज नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड रोम आता ही है, और इसके अंदर में पैनिक सेटिंग्स भी आपको देखने को अभी न्यू मिल जाएगा, बट अभी जो है सेटअप नहीं होता, पूरा वाइट स्क्रीन देखने को मिलता है उस पर जाने पर, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर ही करो, काम नहीं करेगा अभी के लिए फ़िलहाल तो। वहीं अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट इसके अंदर काम कर अच्छे तरीके से, एनिमेशन बिल्कुल लेटेस्ट वाले अब थोड़े से देखने को मिलते हैं, बट ऑफ रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे जो फेस अनलॉक है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और फिर डिजिटल वेलबिंग इन सब में कोई दिक्कत है ही नहीं। वहीं सिस्टम की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज भी पहले 2 एप्लीकेशन पे थे, अब अगर देखोगे ऐप लैंग्वेज जो है 1 पे सपोर्टेड है। एंड जेस्चर एंड मोशन के अंदर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं सिस्टम नेविगेशन में, कि यहाँ पे बैक जेस्चर एनिमेशन के जस्ट नीचे हैप्टिक फीडबैक था वो रिमूव कर दिया गया, अब नीचे हाइड जेस्चर बार मिल जाता है, और यहीं पे हाइड कीबोर्ड नेविगेशन बार न्यू देखने को मिल जाएगा, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। एंड 3-बटन नेविगेशन का भी लेआउट चेंज करने का अब कहीं और मूव हुआ है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट अच्छे से ही काम कर रहा है, और नीचे में भी प्रेस एंड होल्ड पावर एंड असिस्टेंट में भी अब देखोगे तो यहाँ पे असिस्टेंट पहले हुआ करता था, और डिसेबल पावर मेन्यू, ऑन लॉक इन, एडवांस रिस्टार्ट पावर मेन्यू को सब यहाँ से रिमूव होकर के अब सिर्फ पावर मेन्यू और डिजिटल असिस्टेंट मिलता है,
और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो आप मूव करके ये जो बटन बाहर आपको मिलता है इसके अंदर ऐड किया गया। जैसे कि आप टास्क बार भी देखोगे लॉन्चर में पहले था, यहाँ पे है लेआउट का भी, नेविगेशन बार का भी यहीं पे देखने को मिलेगा, डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन पे अब इसी के अंदर मिलेगा, और ये पावर मेन्यू की सेटिंग्स अब यहाँ पूरी आपको मिल जाती है जिसमें पावर मेन्यू स्टाइल आप यहीं से चेंज कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो है अब आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, पावर मेन्यू स्टाइलों से आपको ये न्यू मिल जाता है इसके अंदर में। तो अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहो पावर मेन्यू का तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर पाओगे। पैनिक ट्रिगर भी आप पावर मेन्यू पे ऐड कर सकते हो, हालांकि अभी काम नहीं कर रहा है। और कुछ वॉल्यूम बटन से रिलेटेड भी सेटिंग्स हैं, कंट्रोल प्लेबैक कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल ये सब जो है मिलता था पहले जेस्चर में, अब यहाँ पे मूव किया गया है। एन यू एस बी कॉन्फ़िगरेशन न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी अपडेटर आपको पहले से यहाँ पे देखने को ये मिलता था। अब बात करते हैं थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन में लैग जो पहले मिला करता था उसी तरीके से अभी भी थोड़ा बहुत आपको लैग मिलता है, लेकिन अगर हम न्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर जो सेपरेट जो वाईफाई और मोबाइल डाटा का टाइल है ये न्यू देखने को मिल जाएगा। और एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे आइकन पे भी थोड़े एनिमेशन अब मिलते हैं, पहले नहीं मिला करता था, ये चीज़ भी आपको न्यू मिलेगा। एंड नीचे कुछ टाइल और भी न्यू है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन सेवर का टाइल न्यू मिल जाएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्क्रीन शॉट का हो गया, प्रेफर नेटवर्क का, स्लीप मोड का, ये कुछ टाइल भी न्यू हैं। और ये जो बीपीएन थिएटरिंग जो दिया गया वो भी न्यू मिल जाएगा, और पैनिक ट्रिगर का भी आपको टाइल अब देखने को मिल जाता था। ये कुछ टाइल न्यू है, हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स पूरी सेम रहेगी, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद जो लैग होता है वो अभी भी मिलता है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके का लैग है, लैग यानी कि नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाता है, तो लैगिंग का फर्क आपको देखने को मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। और यहाँ पे जो है वॉल्यूम पैनल सेम है। ऐप ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत लैग करते हैं जैसे पहले करता था। एनिमेशन में उतना कुछ खास फर्क आपके नहीं पड़ने वाला, ऐप ओपनिंग आपकी पहले जैसे ही अभी भी जो है लैग करता है, थोड़ा बहुत जो पहले कर रहा था वही अभी भी करता है, रिसेंट आपका वही सेम रहेगा, इसमें ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर देखते हैं तो प्ले स्टोर पहले की तरह ही सर्टिफाइड ही आता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका सेफ्टी नेट इसके अंदर पास है, तो बैंकिंग ऐप आराम से यूज कर पाओगे। और इसके अंदर जो अपर्चर का कैमरा पहले मिला करता था वही है, बस थोड़ा अपडेट किया गया है, लेकिन कैमरा आपको सेम देखने को अपर्चर ही मिल जाता है जैसे कि पहले था। जी के मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। FM काम करता है, गैलरी को बाय डिफॉल्ट मिलती है, वैसे गूगल फोटो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा आपको, और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पहले कुछ कुछ क्रैश करते थे एंड्रॉइड 13 में अभी भी करेंगे। एंड कॉलिंग के अंदर में वॉल्टी काम कर रहे, कैरियर वीडियो कॉल का प्रॉब्लम रहेगा, और वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करता। बाकी अगर हम बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लेकर के तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट कर देता है, बट वर्किंग रहेगा। और इसके अंदर आपका ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे अच्छे से काम कर रहा है। एंटूटू स्कोर 179,091 मिला है, पिछले में 178,000 था, जो कि कुछ खास फर्क नहीं है। CPU थ्रोटल में इस बार जो है 92% देखने को मिला है, 93 पिछले में 81% देखने को मिला था। और इस बार गीगबेंच स्कोर हमारा सिंगल का 260 है, मल्टी में 1248 है, पिछले में सिंगल 277 था और मल्टी में 1251 देखने को मिला था। तो ये कुछ इस तरीके के स्कोर मिल जाते हैं। अब वैसे गेम की बात करें तो गेम स्पेस इसका सेम रहेगा, गेम स्पेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पहले वाला ही पूरा पूरा गेम स्पेस आपको मिल जाएगा। ग्राफिक अगर बात करें तो ग्राफिक भी वही सेम ही रहेगी, स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक। तो हम इसके अंदर हमेशा की तरह स्मूथ एंड हाई पे ही खेलेंगे। अब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पहले भी आपको बताया था गेमिंग इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं, यानी कि गेमिंग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नहीं मिलता, एक तरीके से ख़राब ही है, ज़्यादा अच्छा भी आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं मिलता, काफ़ी लैग करता है। नॉर्मल अगर आप TDM भी खेलते तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत थोड़ी होगी, तो अगर आप क्लासिक खेलोगे तो फिर वहाँ पे तो आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो गेमिंग के मामले में पहले भी बताया था उतना अच्छा नहीं है, एनिमेशन थोड़ा ठीक ठाक मिलता है, ज़्यादा अच्छा भी वो भी आपको नहीं मिलता है, अभी भी ये चीज़ आपका सेम रहने वाला है पहले जैसा। तो इनमें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, बैटरी भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर सी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको चेंज ज़रूर यहाँ पर न्यू फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें न्यू देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस और आपका जो यहाँ पर UI है इनमें ऐसा कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यही सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो के अंदर में। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।